नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल राजपुरोहित आप सभी का यार स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज के इस बहुत ही खास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं इर यस्टरडे क्या होता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इर यस्टरडे क्या होता है और इसे हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियोज़ आप तक बहुत ही आसानी से पहुँचती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है इर यस्टरडे क्या होता है और इसे हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। इर यस्टरडे का मीन होता है ऑन द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से ठीक एक दिन पहले। यस्टरडे का मीन होता है बीता हुआ कल और ईयर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, मतलब जो परसों बीत चुका है उसे हम ईयर यस्टरडे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के जरिए ईयर यस्टरडे को समझा जाए। हमारा पहला एग्जाम्पल है ईयर यस्टरडे वॉज नॉट अ गुड वन, मतलब परसों अच्छा नहीं था। यहाँ पर जो परसों आया है उसका मतलब होता है ईयर यस्टरडे, जो बीत चुका है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे बट ईयर यस्टरडे इट वॉज कोल्ड, यह एक सुंदर दिन है लेकिन परसों यह ठंडा दिन था। यहाँ पर जो परसों है वो भी बीता हुआ परसों है जिसे हम ईयर यस्टरडे कहते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको ईयर यस्टरडे का मीनिंग समझ आ गया होगा और आपको ये भी आ गया होगा कि इसे किस तरह से सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जय हिंद, वंदे मातरम।